नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। देश में जिस तरह से अलग अलग राज्यों में पक्षियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, उससे बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। योगी सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि पक्षियों के पीने के पानी के जलाशयों पर नजर रखी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर कोई बाहरी पक्षियों का झुंड पानी पीने के लिए आता है तो उस पर नजर रखी जाए। जलाशयों में पानी पीने के बाद अगर कोई पक्षी मृत पाया जाता है तो फौरन उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेजा जाए। इसके अलावा बाहर के राज्यों से आने वाले पक्षियों, खासकर कुक्कुट यानी मुर्गियों को लेकर आने वाली गाड़ियों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बाहर से आने वाली किसी गाड़ी में अगर कोई पक्षी मृत पाया जाता है तो उसे प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मुर्गा मंडियों को हफ्ते में एक दिन बंद रखा जाए और उस दिन मंडी की पूरी साफ सफाई की जाए। सभी वर्ल्ड सेंचुरी और पक्षी पार्कों की सूची बनाई जाए जहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं। भारत सरकार की ओर से संक्रमण को लेकर गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कराया जाए और संक्रमण रोकने के तरीकों को इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही योगी सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को जिलों में फेस मास्क और पीपी किट की कमी न होने के निर्देश दिए हैं। जिलों में मुर्गा और उसके उत्पादों के इस्तेमाल के लिए जन जागरण अभियान चलाने और किसी तरह की अफवाह को रोकने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि बर्ड फ्लू के डर के बीच उत्तर प्रदेश में भी पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं। बुधवार सुबह कानपुर के चिड़ियाघर में 4 पक्षियों की अचानक मौत हो गई थी। पक्षियों के सैंपल जाँच के लिए भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई रिस्क एनिमल डिसीज के पास भेजा गया है। गुरुवार शाम तक इनकी जाँच रिपोर्ट आने की संभावना है। वहीं कानपुर के बाद अब सोनभद्र में भी कई कौओं के मरने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। सोनभद्र के डाला कस्बे में चढ़ाई के पास एक सीमेंट फैक्ट्री के कैंपस में कई कौओं को अचानक मरते हुए देखा गया। मामले की जांच के लिए मौके पर टीम को भेजा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।